नमस्ते श्रीमती शोभा राव जी, श्रीमती शमीम कुनील जी, आपका डाइजी वर्ल्ड स्टूडियो में बहुत स्वागत है। हम यहाँ पहुँचे हैं, शोभा जी ने एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाया है इस प्यारे से शहर मैंगलोर के बारे में। हम इस वीडियो को रिलीज़ करने के लिए, इसको पहली बार देखने के लिए यहाँ आए हैं। तो चलिए हम अभी इस वीडियो को रिलीज़ करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो का नाम है मज़ेदार मैंगलोर और ये हमने 2222 का डेट चुना है। ये डेट बहुत स्पेशल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहला इसको ज़रा रिलीज़ करेंगे और इसको देखेंगे और वीडियो को हम ज़रूर देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शोभा राव स्माइल मेकर है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरे प्यारे शहर मैंगलोर के बारे में जान पहचान कराना चाहूँगी। मैंगलोर इस कर्नाटका का एक अनोखा शहर है जो ब से शुरू होने वाले बैंगलोर से काफ़ी अलग है। तो स्वागत है आप सबको मज़ेदार मैंगलोर में। समुंदर के किनारे वाला यह शहर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कन्नड़ा में मंगलुरु, थुलु भाषा में कुडला, कोंकणी भाषा में कोडियल से जाना जाता है। मैंगलोर पहुंचने के विभिन्न तरीके हैं। आप हवाई जहाज से इस शहर के टेबल टॉप रनवे पर आ सकते हैं या फिर हसीन वादियों से गाड़ी में पहुंच सकते हैं या आप कांच के छत वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी में प्रयाण करके मैंगलोर पहुंच सकते हैं। काफी अंतर्राष्ट्रीय नाव भी मैंगलोर को आते हैं। इस अद्भुत शहर के एक तरफ है पश्चिम घाट के पहाड़ी दृश्य, दूसरी तरफ कोंकण तट के आकर्षक समुन्दर और इस शहर के बीच बहती है दो नदियां नामक नेत्रावती और गुरपुर। हम्पनकट्टा नामक शहर के केंद्र में एक प्राचीन कुआ, टाउन हॉल, नेहरू ग्राउंड्स, क्लॉक टावर, कार्यालय, मॉल, होटल, उत्कृष्ट अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और कई बैंक हैं जो यहाँ उत्पन्न हुए थे। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला स्वतंत्र सेनानी रानी अबक्का है? इन्होंने मैंगलोर किले में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब जो बचा है वो सुल्तान बतेरी वॉच टावर है जिसको टीपू सुल्तान ने हथियारों के गोडाउन की तरह इस्तेमाल किया था। ऐसा कहा जाता है कि मैंगलोर की प्रसिद्ध कदरी मंदिर वही जगह है जहां भगवान परशुराम ने भगवान शिवजी की खूब तपस्या की। उन्होंने समुद्र से इस तटीय भूमि को पुनः प्राप्त किया था, इसलिए नागबना में नाग पूजा करना यहाँ आम बात है। यहाँ के कुडुपू या सुब्रमण्या जैसा नाग मंदिर को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। नागमंडल नामक एक अद्वितीय अनुष्ठान में भाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ के कई प्राचीन मंदिर हैं, इनके विशिष्ट शैली और पारंपरिक उत्सव या अनुष्ठानों बहुत लोगों को मंदिरों की ओर आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान मैंगलोर शहर प्रकाश से चमक जाता है। यहाँ गीत, भव्य नृत्य और टैबलोस का बड़ा प्रदर्शन होता है। भूतकोला यहाँ के रंगीन आत्म पूजा का अनुष्ठान है, इसमें सभी समुदायों शामिल होते हैं। यहाँ पटाखा शो आमतौर पर एक प्यारी मुस्लिम परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है। ये लोग पहली शताब्दी के अरब व्यापारियों के वंशज हैं। बंदर क्षेत्र के आसपास आप मछुआरों की गतिविधि देख के और देश के सबसे पुरानी मस्जिद का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कई खूबसूरत चर्च भी है। अलोयशियस चैपल के फ्रेस्को पेंटिंग बहुत कमाल का दृश्य है। मिशनरियों ने मैंगलोर के विकास के लिए शिक्षा, प्रिंटिंग प्रेस,
कॉफी क्यूरिंग, टाइल बनाना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है। कदरी पार्क और पिलिकुला निसर्गधामा देखने लायक है। यहाँ के आर्टिसंस विलेज प्रतिभाशाली स्थानीय कारीगर के पारंपरिक कौशल को जीवित रखता है। यहाँ के सामुदायिक घर को गुत्तु मने कहते हैं, जो प्राचीन जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। मैंगलोर के सड़कों पर टहले और एक दूसरे के बगल में नई आलीशान अपार्टमेंट या पुराने घर जरूर देखें। अपने नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए यहाँ के स्वादिष्ट स्थानीय शाकाहारी या मछली के विशिष्ट वस्तुओं को जरूर चखें। गड़बड़ और अन्य आइसक्रीम के लिए आइडियल आइसक्रीम पार्लर को जरूर जाइए। हो सके तो टॉडी बार जाइए या मैंगलोर के क्लबों में अतिथि के रूप में आराम करें। कंबला जैसे स्थानीय खेल देखें, जहां बैल कीचड़ वाले पटरियों पर दौड़ते हैं या फिर मुर्गा लड़ाई भी देख सकते हैं। चन्ने मन्ने यहां का एक प्राचीन खेल है। आप यक्षगाना प्रदर्शन देख सकते हैं, जहां कलाकार अपना श्रृंगार स्वयं करते हैं। पीतल या तांबे की वस्तुएं, मसाले, आचार, थाड़ के गुड़, कटहल या आम की वस्तुएं, साड़ी और बहुत कुछ यहां खरीद सकते हैं। यहां कहीं नेचुरोपैथी, योगा या आयुर्वेदिक सेंटर्स है, जिसमें आप डिटॉक्स कोर्स में भाग ले सकते हैं। मैंगलोर के बस ऑपरेटर्स की प्रशंसा करें, जो जोरदार गर्मी या बारिश के मौसम के बावजूद सही समय के साथ कुशलता से काम करते हैं। मैंगलोर के आसपास आप दिन के यात्राएं करके बहुत देख सकते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा मंदिर स्थल, तुलु संग्रहालय, जैन पसड़ी, ट्रैकिंग या वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैंगलोर में देखने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। ये जगह आधुनिक सुविधा के साथ प्राचीन संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण है। मुझे यकीन है कि आप मैंगलोर आने के लिए प्रेरित हैं। जल्दी यहाँ मिलते हैं और मुस्कुराते हैं। शुक्रिया। बहुत अद्भुत वीडियो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस। एंजॉयड इट। इट टुक मी बैक टू मैंगलोर 34 इयर्स व्हेन वी केम इन 87। Like now we have the city mall, the big bazaar, big malls, but earlier it was only the big bazaar which we had as a supermarket. बस वही थे, वही थे, बस जनता बाजार, वो भी एक ही काउंटर, क्या है ना, एक बैग लेके सब कुछ ना क्या बोलने का है, वो दे दो, ये दे दो, बस लिस्ट लेके जाने का और देने का, बस वही एक था। फिर बाकी आप बोले जैसे आइडियल आइसक्रीम का जगह बहुत छोटा था, मगर अभी तो वर्ल्ड फेमस हो गया है। इट गेट्स ऑल द बेस्ट आइसक्रीम अवार्ड्स, सब मिलते हैं। और इधर के लोग बहुत बहुत स्पेशल है। जो अन्य क्या रिलीजन लोग बहुत बहुत मैंने लगता फ्रॉम 87 हम लोग इधर थे, मैं बेंगलोर से आई, मगर नेटिव प्लेस कासरगोड है, इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, फिर भी लोग इतने हमको वेलकम किया इधर। सो एंड माय हस्बैंड्स बिजनेस, मेरे बच्चों का स्कूलिंग, मेरा बेटा तो यही के है, मैंगलोरियन ही है, पैदाइश ही है। सो रियली जो आपने अभी जो ये वीडियो रिलीज़ किया है बहुत रोमांचक है, एंड आई होप मैनी मोर नो व्हाट इज़ मैंगलोर। जैसे आप बोले जैसे आई एम फ्रॉम मैंगलोर, बैंगलोर नो नो विद एन एम, ऐश्वर्या राय के गाँव यार, सुनील शेट्टी ऐसे बोलने पड़ते थे पहले, अभी तो नो प्रॉब्लम, सबको अभी मैंगलोर मालूम है। आपकी ये वीडियो की वजह से सब लोग और भी आएंगे और रियली आप दे विल एन्जॉय, इवन द पुलिकुला बहुत बहुत एक्सलेंट, एंड वी हैव अ गोल्फर इन योर हस्बैंड हुज एन आर्डेंट गोल्फर, एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स भी है जो पुलिकुला के पास है। मैंगलोर में सब कुछ है, रिफाइनरी भी है, जो योर हस्बैंड जो पहले थे
रिफाइंड नहीं है सब, लाइक उनके फ्रेंड के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बता सकते हैं हमारे गांव में भी रिफाइनरी है. यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और बेस्ट पार्ट मैंगलोर क्या है, बैलेंस है, ओल्ड वर्ल्ड चार्म भी है और नया मॉडर्न एमिनिटीज भी है. आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैंगलोर. अभी भी वो गया नहीं है, अभी भी वो देखने को मिलते हैं जो मेरे नेबर्स है. अब हम लोग के घर में वॉशिंग मशीन है, वो लोग अभी भी पत्थर से कपड़े धोते हैं अभी भी. वो तो दे हैव दैट ओल्ड चार्म, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. ब्लेंड जहाँ हम लोग रहते हैं रियल ब्लेंड है उधर. नो यू नो देयर इज अ डिस्टिंक्टिव स्मेल. हर सुबह जो खुशबू आता है वो कहीं और नहीं मिलता है, सिर्फ मैंगलोर में. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ है, तो वो नारियल के पेड़ के पत्तों को और जो सूखा हुआ उसका जलाते हैं सुबह सुबह. आज भी मेरी दादी उसी से पानी गर्म करती है नहाने के लिए, आज भी. हाँ हाँ, अभी हम, मैं बस 2.5 साल पहले मैं और मेरे पति बॉम्बे से आए हैं, और हम आए हैं, मेरे सास ससुर सब यहीं के हैं. तो हमने बस फिलहाल एक होटल शुरू किया है मैंगलोर में जिसका नाम अवतार है. मैं उतनी श्योर नहीं थी कि यहाँ पे यू नो इतना न्यू एज होटल क्या मैंगलोर के लिए चाहिए, ये तो एक छोटा सा गांव है. तो मैं वैसा सोच रही थी, मगर मेरे हस्बैंड वो तो श्योर थे कि नहीं मैंगलोर रेडी है. और आप खुद आके देख सकते हैं, जैसा इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि कमला है और बहुत सारे कोला बूता कोला है, वो सब फेस्टिवल्स को हमने हमारे होटल के सिटआउट्स में लोकल आर्टिस्ट के साथ उसको पेंट करवाया है. और इवन फूड वाइज यू नो खाने के लिए भी मैंगलोर में कोरी रोटी गिरो से लेकर आजकल के नए चीज़ें भी लोग ट्राई करते हैं यहाँ के लोग. इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी, अभी तक तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है. एंड इट्स लवली. एंड आई वुड से शोभा जी, ये वीडियो को स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए. मेरी बेटी जो है, हम लोग अभी आए हैं, तो अगर मैं खुद उसके स्कूल से बात करूंगी, अगर किसी को पता जान पहचान मैंगलोर से करवाना है हमको, तो बस ये वीडियो दिखा देना है स्कूल में, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चों को, ताकि वो खुद घर में जाके बोल सके अपने दोस्तों को मैंगलोर के बारे में, इस वीडियो के थ्रू बोल सकते हैं. नहीं, ये आइडिया क्या था ना, अगर यूट्यूब में डालेंगे तो शायद सिर्फ बीचेस का वीडियो आता है, नहीं तो खाने का वीडियो आता है, नहीं तो टेंपल्स का वीडियो आता है. एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं था, तो लोगों को मालूम नहीं है कि मैंगलोर में इतना सारा है कल्चर. और जो नॉन मैंगलोरियंस है उनको स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बनाया है, क्योंकि उनको मैंगलोर के बारे में बस उनको मालूम है मैंगलोर कर्नाटका में है, बस उससे ज्यादा उनको ज्यादा कंफ्यूजन होता है. करेक्ट. नो, मेरे फैमिली कभी भी वो तो ये तो मैस्कॉट है मैंगलोर के. मैं बोली यस आई एम अ टोटल मैंगलोरन अभी. एंड हियर जो आप बोले सब कुछ है, देर इज नथिंग. द फैशन सेंस भी बहुत है इधर. द मेडिकल कॉलेजेस, द कॉलेजेस, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, द बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, आप जो मांगे सब है. इवन ये बोल रहे कदरी पार्क, एक्चुअली कदरी पार्क ने देखना है एमिनिटीज एट कदरी पार्क. अभी जो नया सबको नहीं मालूम है, वाटर फाउंटेन स्टार्ट किया है, म्यूजिकल फाउंटेन. यस सब. द ट्रेन कितना पुराना है, मेरे बच्चों तो उसी में गए हैं. दे संडे सैटरडे संडे, क्योंकि हम लोग कासरगोड के हैं, तो माई मदर इन लॉ तो उधर रहती थी, तो एवरी वीकेंड उधर होते थे. सॉरी इधर नहीं पार, मगर फिर भी संडे कैसे भी शाम को इधर पहुंच के एक कदरी पार्क का घूमना और द वुडलैंड्स का गोली बजे. और मेरे बच्चों को उधर का ये क्या है, मलाई कोफ्ता और नान बहुत पसंद थे. एंड ऑफ कोर्स बाकी सब डोंट हैव टू से, मैंगलोर इज अ मिक्स्ड कल्चर. यस इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. अभी भी किसी से मुझे मेरे से पूछो तो मैंने प्लीज कम टू मैंगलोर. एंड इफ आई एम इन मैंगलोर आई स्पीक कन्नड़ा, इफ आई एम इन बैंगलोर कन्नड़ा बात तो पूछेंगे आप कहाँ से है, मैंगलोर से. हाँ, इसीलिए कन्नड़ा आपका बहुत अच्छा है. आपने बोला है, मगर मैंगलोर का जो
वो एक ऐसा शहर है, मैंगलोर इज़ वन ऑफ दोज फ्यू सिटीज़ जहाँ पे खुद का भाषा है. अभी जैसे एग्जैक्टली तुलु, अभी मैं कनाडा थोड़ा बात कर लेती हूँ मगर तुलु में तो मैं बात कर सकती हूँ बहुत अच्छी तरह से. और मेरे बच्चों को भी मैंने बोला है तुलु तो सीखना है, क्योंकि तुलु एक ऐसी भाषा है जिसका स्क्रिप्ट नहीं है. नो एंड उसका स्क्रिप्ट नहीं है, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट फॉर तुलु. अगर मैं अपने बच्चों को तुलु नहीं सिखाऊंगी तो फिर ये भाषा तो फिर यू नो ऐसे ही मर जाएगा. तो इसको आई टोल्ड माय चिल्ड्रन, मैंने बोला है मैं खुद उनसे तुलु में बात करती हूँ और मेरे यू नो घर के जितने भी काम वाले वो भी तुलु में बात करते हैं. तो मेरे बच्चों को तुलु तो आता है, कनाडा उतना पता नहीं है मगर तुलुड बारी लाइक पाते रहेगा अपन. No, no. really, this has got so many things. And Mangalore का एक reason या क्यों मैंने ये दो 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 ये डेट क्यों चूज़ किया था, क्योंकि बहुत साल पहले हमने हम तो बहुत अलग अलग शहर में आ गए हम लोग, और हम चाहते थे कि मैं हमारा इंडिया भी दूसरे शहर के मुकाबले में क्लीन रहे. तो हमने क्लेनलीनेस का बहुत सारा काम किया था. और 2007 में किया था आपने क्लेनलीनेस का काम, 2003 से स्टार्ट किया था. 2007 में या 2007 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया का लीड इंडिया कॉन्टेस्ट में मैं फाइनलिस्ट थी इधर, और मैंने बोला था अगर इफ आई विन माय प्रोजेक्ट विल बी टू क्लीन इंडिया. और ये हम बात कर रहे हैं 2007 के, जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और हम लोग तो स्वच्छ भारत दूर दूर तक हम नहीं सोच पाते थे. और 2013 में मिड डे ने मेरा इंटरव्यू में मैंने बोला था क्लीन इंडिया बाय 2022. और मुझे खुशी है कि 9 years में हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लीनिनेस चेंज हो गया है, यू नो. सो एंड और मैंगलोर में हमको क्लीनिनेस में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग रिस्पॉन्सिबल है और मैंगलोर को क्लीन रखते हैं. एंड ये भी बहुत चीज़ ऑल्सो वेरी वेरी पैशनेट अबाउट क्लीनिनेस है. हाँ वो तो है, मैं पैशनेट हूँ. मुझे जब मैं बॉम्बे में थी तो बॉम्बे में तो प्लास्टिक बैन किया है, प्लास्टिक का थैली जब मैं थी. तो मेरा एक ही है कि विश यू नो यहाँ पे भी प्लास्टिक का थैली बैन कर सकते हैं, क्योंकि लोग पता नहीं चलता है मगर बॉम्बे में हर साल जब बारिश आता था तो वो थैली हमको वापस गिफ्ट में आ जाता था. समुद्र हमें वापस वो थैली फेंक देता था कि लो ये लो आपका थैली आप ही रखो. तो ऐसा ज़रूर ये मैंगलोर में भी जल्दी होने वाला है. तो वो एक चीज़ है, मगर मैं तो बस बोलती हूँ इसके बारे में. जैसा भी शोभा जी को मैंगलोर पसंद है और उन्होंने एक वीडियो कर लिया इसके बारे में, तो शोभा जी नेक्स्ट इसके ये प्लास्टिक का बैग के बारे में हम लोगों को कुछ प्लीज़ करना चाहिए. और मैं अभी भी मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि 10 साल पहले शोभा जी ने बोला था कि 2022 तक यू नो मैं आशा करती हूँ कि भारत स्वच्छ रहे. और इस दिन आप एक्चुअली एक हाँ हमें देखने को मिला, ये बहुत गर्व की बात है. मेरा और एक विजन है कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्माइल मेकर्स, जहाँ हम अभी देखो कोरोना ने सिखाया है कल क्या हुआ, कल जो होने वाला है मुझे मालूम नहीं है. आज बस हम आज के लिए जिएंगे और आज भी हम मुस्कुराते रहेंगे और दूसरों को भी मुस्कुराएंगे. और आप मैंगलोर ज़रूर आइए और मैंगलोर में मुस्कुराइए. लास्ट शोभा जी का वीडियो ज़रूर देखिए, शी हैज रियली बहुत काम किया है. बहुत बहुत मतलब 6 months राइट शोभा, 6 months 6 महीने वो काम किया है. एंड रियली सबको इंटरव्यू किया है. एंड लाइक इन्होंने बोला तुलु इधर का भाषा है ब्यारी, उनको बोलो यू आर अ मलबारी. वी आर नॉट, हम लोग मलबारी नहीं है, हम लोग ब्यारी है. एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द माप्लाज ऑफ मैंगलोर. दे आर नोन एज बेरीज, नॉट माप्लाज, नॉट मलबारी. यस मुस्लिम और तुलु कल्चर मिक्स, यस इट इज अ लॉट ऑफ सॉर्ट्स, लॉट ऑफ कल्चर मिक्स, लॉट ऑफ कल्चर मिक्स. इट इज लाइक यू सेड, मैंगलोर इज अ लैंग्वेज ऑफ सिटी ऑफ मैनी लैंग्वेजेस. यू गेट टू द चिल्ड्रन आर वेरी लकी टू बी इन मैंगलोर. माई किड्स ऑलवेज लव टू
उनको वापस आना है मैंगलोर. कहीं भी जाओ दे सेड नहीं, हमको मैंगलोर नहीं छोड़ना, हमको वापस आना है. यस, वो तो मेरे हस्बैंड का क्लासमेट है. अभी वो तो इतने साल बाहर रहे मगर कहीं ना कहीं उनको पता था कि उनको वापस आना है, घर वापस आना है. और उनका घर जस्ट घर वापस ही ओनली टू ऑल ऑफ अस. एंड थैंक यू फॉर दिस, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, हमको बुलाए और इतने छोटे समय में इतनी बातचीत करने को मिली. बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और इन्होंने मेरे को हिंदी स्क्रिप्ट के लिए बहुत हेल्प किया, उनका एक्स्ट्रा धन्यवाद. क्योंकि मेरा हिंदी जो है वो बम्बई हिंदी है, और ये थोड़ा वीडियो के लिए थोड़ा बेटर हैदराबाद हिंदी में सपोर्ट आया. चलो थैंक यू, थैंक यू. आप मैंगलोर आइए, मैंगलोर वीडियो देखिए और मैंगलोर को महसूस कीजिए और मुस्कुराते हुए मैंगलोर का बहुत सारा मजा लीजिए. ओके, थैंक यू.